वी आर डूइंग रहीवेटिव आज हम बात करेंगे ऑप्शन की एप्लीकेशंस की कि ऑप्शन की यूटिलिटी क्या होती है वेयर आर दे फ्रीक्वेंटली फ्रीकुन व्हाट आर देयर मेन एप्लीकेशंस ऑप्शंस कॉल्स एंड पुट्स आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू हेज अगेंस्ट रिस्क इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के जिनके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके रिस्क को कैप्चर करने के लिए ये नॉर्मली यूज करते हैं इट इज फ्रीक्वेंटली द केस फॉर एग्जांपल दैट इन्वेस्टर हु ओन्स स्टॉक बाइज और सेल ऑप ऑन द स्टॉक टू हेज हिज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कि आपके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं जैसे मेरे पास एक हजार शेयर पड़ा है एडवर्स मूवमेंट और टू मेक दम मनी फ्रॉम द रेपिड चेंज तो दैट इज द मेन स्पिरिट ऑफ द ऑप्शन हिज ऑप्शन इन्वेस्टमेंट आर आर डेजिग्नेटेड टू एटलीस्ट पार्शली कम्पनसेट फॉर अ लॉस दैट मीन कर इन द अंडरलाइन तो मेन स्पिरिट क्या है कि अगर आपके अंडर लाइन में जो आपके स्टॉक्स पड़े उनमें फॉल आ गई तो उसकी ऑप्शन जो हैं वो उसको पार्शली कम्पनसेट करेंगी जो उसको बेनिफिट दे देंगी कि जहाँ पे वो उसको लॉस हो रहा है वहाँ से कुछ पार्ट इसका यहाँ पे कवर हो जाए अगर ऑप्शन में ऑल्सो भी यूज अ स्टैंड लोन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट ये तो एक नॉर्मल मेन यूज है बट इट्स नॉट द ओनली यूज ये आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं इन द ऑप्शन है बिलीव दैट सर्टन स्टॉक इन दोर्टफोलियो मेड ड्रॉप इन प्राइस बट दे डोंट वॉन्ट टू अबर्न दोजीशन फॉर द लॉन्ग टर्म यानी कि आपके पास एक स्टॉक पड़ा है और आपको लग रहा है कि इसकी प्राइस घिर जानी है तो एक तो जनरल तो व्यू होता है ना फिर इसको बेच दें लेकिन आपका ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छा है अभी कुछ पॉल आ सकता है लेकिन आगे जाके इसने फॉरबल फ्यूचर इट इज अ गुड स्टॉक आप उस स्टॉक पे पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं इफ दिक्लाइन इन प्राइस देन प्रॉफिट इन दुट ऑप्शन लॉस इन द क्योंकि आपने पुट ऑप्शन खरीदी हुई आपने शेयर पड़े थे शेयर की प्राइस तो गिरी तो आपको लॉस हुआ लेकिन जो आपने पुट ऑप्शन ली थी राइट टू सेल उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा तो जो इधर थोड़ा लॉस हो रहा था वो उस उसमें ऑप्शन में कंपनसेट हो जाएगा तो ये आपके जो लॉस वाला एलिमेंट है वो सम हाउ काफ़ी हद तक वहाँ पे कैप्चर हो जाएगा तो आपका दिस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ हैजिंग के इधर अगर लॉस हो रहा है तो वो हमारा उस लॉस में कंपनसेट होगी ये इन सम अदर इंस्ट्रूमेंट तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ एडिंग अपट ऑप्शन टू योर अंडरलाइन इन्वेस्टर कॉमनली इम्प्लीमेंट सच स्ट्रेटजी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी जैसे आपको कुछ पीरियड के बारे में अनसर्टेनिटी आती है मार्केट्स में सिचुएशन नहीं है सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं तो उस केस में आप ये कर सकते हैं जैसे अर्निंग सीजन आ रहे हैं पता नहीं रिजल्ट क्या आएंगे अनसर्टेनिटी का फैक्टर है तो वहाँ पर फिर आप ऐसी ये इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करके अपने आप को सेफ गार्ड करते हैं दे मे बाय पुट ऑन पर्टिकल स्टॉक्स और बाय इंडेक्स पुट जरूरी नहीं उसी स्टॉक के पुट भी खरीदें आपका ख्याल है हो सकता है मार्केट पूरी ना गिर जाए तो मार्केट गिरेगी तो आपका भी शेयर गिरेगा तो आपने क्या किया पूरी इंडेक्स पे पुट ऑप्शन ले ली तो वो क्या होगा कि मार्केट गिरेगी तो आपको पुट ऑप्शन से फ़ायदा हो जाएगा स्टॉक में आपका लॉस हो जाएगा तो वो आपस में ऑफसेट हो गया म्यूचुअल फंड के मैनेजर जो हैं वो भी ये अक्सर काम कर रहे होते हैं अपने फंड को एक्सपोजर को सेफ़ करने के लिए डाउन साइड ड्रेस को कैप्चर करने के लिए इस तरह की पुट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि अगर आप एक बहुत बड़ा पूल इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं उसमें मेजर फॉल ना आ जाए तो इसलिए आप सात पुट ऑप्शन इंडेक्स पे ले लेते हैं या पूल पे ले लेते हैं ताकि आपको कंपनसेशन हो जाए इन केस ऑफ अ फॉल स्पेकुलेशन बाय कॉल्स और सेल पुट इफ इन्वेस्टर बिलीव दैट द प्राइस ऑफ स्क्योरिटी लाइकली टू राइज आपका जस्ट एक ख्याल है कि एक शेयर की प्राइस ने बढ़ना है दे कैन बाई कॉल्स और सेल पुट्स टू बेनिफिट फ्राम सच प्राइज मतलब वो कॉल ऑप्शन ख़रीद लें तो प्राइस बढ़ेगी तो दे भी बेनिफिट ये इनके पास एक्चुअली अंडरलाइन स्टॉक नहीं है दे आर जस्ट बैटिंग और दे आर जस्ट फॉरकास्टिंग द एक्सपेक्टेड मूवमेंट और उससे गेन करना चाह रहे हैं तो अगर आपने पुट ऑप्शन सेल की हुई और शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो आपको जितना प्रीमियम मिल जाएगा वो आपका ही बेनिफिट एंड बाइंग कॉल द इन्वेस्ट टोटल रिस्क इज लिमिटेड टू द प्रीमियम जितना आपने प्रीमियम दिया होगा कॉल ऑप्शन खरीदने का उतना ही आपका रिस्क है बाकी आपका जो पोटेंशियल है वो मच है द पोटेंशियल इज थ्रेटिकली अनलिमिटेड क्योंकि जितनी भी शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी वो कॉल ऑप्शन का जो बायर है उसको उतना बेनिफिट हो जाएगा इट इज डेमेंड हाउ फार मार्केट प्राइस इक सीड द स्ट्राइक प्राइस क्या आपकी स्ट्राइक प्राइस है मार्केट वैल्यू कितनी ऊपर चलेगी क्योंकि ऊपर जाने की तो कोई लिमिट नहीं है इसीलिए इसको कहा जाता है अनलिमिटेड वैसे तो एक रीजनेबल रेंज में ही फॉल बढ़ती है लेकिन फॉर सम केसेस इट कैन गो वेरी हाई एज वेल तो ये इन्वेस्टर को एडवांटेज हो जाता है उसकी अच्छी मूवमेंट का फॉर द सेलर ऑफ पुट ये ज़रा थोड़ी सी रिस्की स्ट्रेटेजी है थिंग्स आर रिवर्स देयर टोटल पोटेंशियल इज लिमिटेड टू प्रीमियम रिसीव इन्होंने पुट ऑप्शन राइट की हुई हैं तो इनको क्या होगा शुरू में प्रीमियम मिल जाएगा तो पैसे तो इनिशियली मिल गए इनको ये एक अच्छी चीज़ हो गई लेकिन इनका भी लॉस काफ़ी इनका लेकिन पोटेंशियल टू लॉस ज़्यादा है क्योंकि अगर तो शेयर की प्राइस बढ़ गई तो फिर तो सेफ़ हो गया ये लेकिन अगर शेयर की प्राइस गिरनी शुरू हो गई तो फिर इट कैन फॉल लाइक एनी और इनको फिर बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर मैं सिर्फ पुट राइटर रहें तो फिर ये रिस्की थोड़ा ज़्यादा है दे पोटेंशियल लॉस इज अनलिमिटेड इक्वल टू अमाउंट बाय मार्केट प्राइस इज बिलो द ऑप्शन प्राइस क्योंकि आपने राइट किया हुआ है तो कोई भी पार्टी आपके पास किसी भी टाइम आ सकती है कि जी हमें आप ये कंपनसेट करें फॉल पे स्पेकुलेशन सेल कॉल्स और बाय बेरिश सिक्योरिटीज बेरिश सेंटिमेंट क्या होता है कि वैन यू एक्सपेक्ट मार्केट टू फॉल डाउन इन्वेस्टर कैन बेनिफिट फ्रॉम डाउन बाई आलिंग कॉल्स क्या आप कॉल्स राइट कर दें ये भी वही सिमिलर है इसकी सिचुएशन उल्टी है पहले बुलिश मार्केट का था सेंटीमेंट अब बेरिश द अपसाइड ऑफ राइटर इज लिमिटेड टू प्रीमियम हमें मिलेगा क्या जितना हमने प्रीमियम लिया है द बायर ऑफ पुट फेस इज पोटेंशली अनलिमिटेड अपसाइड जो उसने पुट खरीदी है उसके पास राइट ये आ जाएगा कि जितनी ज्यादा वैल्यू गिर जाएगी उसको उतना ज्यादा बेनिफिट आएगा इफ द मार्केट प्राइस अंडरलाइंग फॉल्स द पुट बायर प्रॉफिट्स टू द एक्सटेंड मार्केट डिक्लाइन जितनी ज़्यादा गिरती जाएगी जो बायर है पुट जिसने ली हुई है उसको उतना बेनिफिट होगा ये शेयर रख के भी लेते तो उसको कंपनसेट करा था अगर आपने खाली ली हुई है तो आपको सिर्फ बेनीफिट हो जाएगी तो इफ़ इन्टर इट हंस वॉज रॉन्ग एंड प्राइस डोंट फॉल द इन्वेस्टर ओनली लूज द ऑप्शन प्रीमियम आपने सिर्फ पुट ऑप्शन का प्रीमियम दिया था तो अगर प्राइसिस बढ़ गई गिरनी नहीं यानी कि आपके माइंड के मुताबिक नहीं चली तो आपको क्या लॉस होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया था तो मैक्सिमम इज दैट द लॉस फॉर द पुट बायर इन द केस ऑफ स्पेकुलेशन। तो ये अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं इन्वेस्टर्स जिसमें लो बजट इन्वेस्टर्स भी आते हैं लार्ज प्लेयर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स में भी आते हैं बट मेनी प्लेयर्स आर देयर थैंक यू